वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज शुभम सिंह खानिया एंड आई एम योर मेंटर फॉर यूजीसी नेट पेपर वन पेपर टू कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी एंड आप प्रॉपर प्रिकॉशंस ले रहे होंगे बिकॉज कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं थ्रू आउट इंडिया। एंड मैं साथ साथ ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपने अपने नेक्स्ट एग्जाम दैट इज जून 2022 के लिए तैयारी शुरू कर दी होगी। अभी अभी जो रिसेंटली एग्जाम खत्म हुए हैं दैट इज दिसंबर के अंदर, वहाँ हमने देखा कि पेपर का लेवल एकदम से कितना बढ़ा दिया गया है। बहुत ज़्यादा एनालिटिकल, बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल और बहुत ज़्यादा लेंदी पेपर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि आपको थोड़ा सा समय ज़्यादा देना पड़ेगा, आपको अपनी तैयारी को एक लेवल ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो अगर आप अभी अपनी तैयारी शुरू करते हैं तभी आपके पास सफिशियंट टाइम होगा कि आप टाइम पे अपना कोर्स भी कंप्लीट कर पाएं एंड आप प्रॉपर रिवीजन एंड मॉक्स भी लगा पाएं। तो आज जिस टॉपिक के बारे में मैं डिस्कशन करने वाला हूं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा और मुझे उनसे डिस्कशन करके ये आइडिया लगा कि कुछ बेसिक आइडिया तो है आप लोगों को बट 100% क्लैरिटी शायद नहीं है, जिसकी वजह से कई सारे स्टूडेंट्स अपने करियर में गलतियां कर देते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ वेरी लेंथी वीडियो। तो आज जिस टॉपिक पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ दैट इज व्हाट आर सम ऑफ द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन नेट या फिर जिसको हम लेक्चरशिप कहते हैं एंड जीआरएफ विच इज जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझ लेते हैं। द बेसिक डिफरेंस इज कि जब आप नेट क्वालिफाई करते हैं, जब आप एग्जाम देते हैं एंड आपके रिजल्ट के अंदर लिख के आता है क्वालिफाइड नेट या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरशिप, तो उसका मतलब ये होता है कि थ्रू आउट इंडिया आप किसी भी कॉलेज के अंदर, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो या फिर वो प्राइवेट कॉलेज हो, आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं ऑन द पोजीशन ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर आपके रिजल्ट के अंदर लिख के आता है क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जीआरएफ, तो इसका मतलब क्या है कि आप कॉलेज में तो अप्लाई कर ही सकते हैं, साथ साथ अगर आप एमफिल या पीएचडी के लिए एनरोल करते हैं तो यूजीसी की तरफ से आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, स्टाइपेंड मिलेगी पीएचडी करने की, रिसर्च करने की, विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है जो हमें जानना जरूरी है, ये कि कट ऑफ में कितना डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एक ही एग्जाम होता है। कई सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि नेट का एग्जाम अलग होता है और जीआरएफ का अलग होता है, तो मैं आपको बता दूं एक ही एग्जाम होता है बट उसके अंदर अलग अलग लेवल पे कट ऑफ आती हैं जो ये डिटरमाइन करती हैं कि आपका नेट क्वालिफाई हुआ या फिर जीआरएफ। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के बारे में बात करूं, जो कि पास्ट ईयर्स में ट्रेंड देखा गया है, अगर आपके अप्रॉक्सीमेटली 60-61% आते हैं तो जनरली आपका नेट क्वालिफाई होता है, और अगर आपके 65-66% आते हैं तो बहुत खुशी की बात है, आपका जीआरएफ क्वालिफाई होना ही होना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मेजर डिफरेंस है कि कितने परसेंट स्टूडेंट्स का नेट क्वालिफाई होता है और जीआरएफ क्वालिफाई होता है। स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है बिकॉज ये आपको ये दिखाता है कि किस लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन की तैयारी आप कर रहे हैं। अगर मैं नेट के बारे में बात करूँ तो अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रेगुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 6% कैंडिडेट्स, दैट मीन्स अगर 100 लोग अपियर करते हैं तो 6 लोग का नेट क्वालिफाई होगा। ऑफ कोर्स उसके अंदर रिजर्वेशन क्राइटेरिया वो सब लगेगा बट इन जनरल 6% लोग क्वालिफाई करेंगे नेट, जितने भी टोटल देंगे, दैट मीन्स अगर 100 लोग दे रहे हैं तो 6 लोग क्वालिफाई करेंगे। और अगर मैं जीआरएफ के बारे में बात करूं, मुझे पता है आप इसके बारे में बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं सुनने का, तो मैं आपको बता दूं मैंने एक प्रॉपर एनालिसिस किया जिससे मुझे पता चला कि अप्रॉक्सीमेटली 0.5, बहुत ही कम परसेंटेज है ये, सिर्फ 0.5% लोग जो होते हैं उनका जीआरएफ क्वालिफाई होता है। इसका मतलब अगर 100 लोगों ने अपीयर किया है तो लेस देन 1%, विच इज टेक्निकली नॉट करेक्ट, बट इन जनरल एक से भी कम इंसान का या एक इंसान का ही सिर्फ जीआरएफ क्वालिफाई होगा, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो इससे आपको पता चलता है कि लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन कितना इंटेंस हो चुका है, तो आपको बकल अप करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। फोर्थ इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं, एमफिल के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप अप्लाई करते हैं किसी कॉलेज में, किसी इंस्टीट्यूट में पीएचडी या एमफिल के लिए, तो वहां पे एक प्रॉपर मेरिट क्राइटेरिया बनाया जाता है, जहां पे अगर मैं लेटेस्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के बेसिस पे जाऊं, जिसके बेसिस पे कॉलेजेस में मेरिट तैयार की जाती है, तो नेट वाले कैंडिडेट्स को 5 पॉइंट्स दिए जाते हैं और जीआरएफ वाले कैंडिडेट्स को 7 पॉइंट दिए जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि जीआरएफ वाले कैंडिडेट को प्रेफरेंस दी जाती है इन टर्म्स ऑफ मेरिट। ऑफकोर्स अगर आपकी इंटरव्यू की तैयारी अच्छी है, अगर आपका ओवरऑल प्रोफाइल उनसे अच्छा है, तो डेफिनेटली यू हैव अ बेटर चांस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड। लास्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कभी लेक्चरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, कॉलेज में अप्लाई करते हैं, बिकॉज अब आपको लग रहा होगा कि सर लेक्चरशिप तो दोनों ही क्वालिफाई कर लिए तो क्या होने वाला है, तो मैं आपको बता दूं दोबारा इसी एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स का इस्तेमाल किया जाता है और जीआरएफ वाले कैंडिडेट को प्रेफरेंस दी जाती है। इसका लॉजिक मैं पहले भी समझा चुका हूं, दोबारा आपको समझा रहा हूं, जिसने जीआरएफ क्वालिफाई किया है क्योंकि उसके सिलेक्शन के चांसेस इन एमफिल और पीएचडी ज्यादा हैं, एंड जितनी भी रैंकिंग के बारे में हमने पढ़ाई करी है, चाहे वो एनआईआरएफ रैंकिंग हो,
अटल इनोवेशन रैंकिंग हो, QS रैंकिंग हो, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग हो, टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग हो, मैंने इनफैक्ट सारी रैंकिंग्स के नाम ले लिए हैं। इन रैंकिंग्स के अंदर रिसर्च को बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रपोर्शन में काउंट किया जाता है, बहुत ज़्यादा वेटेज दिया जाता है। तो कोई भी कैंडिडेट जो एमफिल या पीएचडी में इनरोल है या फिर जिसकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो एमफिल और पीएचडी में उसका सिलेक्शन हो जाए, उसको दोबारा प्रेफरेंस दी जा सकती है कीपिंग अदर थिंग्स एज कॉन्स्टेंट। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि अगर आप नेट क्वालिफाई कर रहे हैं, जेआरएफ क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका पीएचडी में सिलेक्शन नहीं होगा या फिर आप कॉलेज में लेक्चर नहीं लग सकते हैं। बट ये सिंपल सी बात है कि सामने वाले कैंडिडेट को थोड़ा सा प्रेफरेंस मिल जाएगा एंड उसका कॉन्फिडेंस एंड मोरल भी आपसे थोड़ा सा अप होगा। तो इसीलिए अगर आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, जब टाइम दे ही रहे हैं, तो क्यों आप नहीं कोशिश करते हैं कि आप जेआरएफ क्वालिफाई करिए। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि अभी से आपको तैयारी शुरू करनी चाहिए, बिकॉज अभी यू हैव एम्पल टाइम एंड पेपर के लेवल को देखते हुए इतना टाइम तो आपको लगेगा ही अगर आप जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं। तो प्लीज डू नॉट गो फॉर नेट, टारगेट योर जेआरएफ इन द अपकमिंग एग्जाम, दैट इज जून 2022। अगर आपको लगता है कि आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं, आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है, आप मोटिवेटेड फील करते हैं, तो हमने अपना कोर्स लॉन्च कर दिया है हमारी वेबसाइट anujindal.in पे। चाहे वो पेपर वन का हो, पेपर टू कॉमर्स का हो या फिर पेपर टू मैनेजमेंट का हो, आप इन कोर्सेज के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कोर्स रिलेटेड कोई भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, तो आप हमें 9999466225 पे कॉल भी कर सकते हैं एंड यू कैन क्लैरिफाई ऑल योर डाउट्स। दैट वॉज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड अगर आपको लगता है कि आपकी थोड़ी सी भी हेल्प करी है मैंने इस वीडियो से, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स in the comment section. Till then, take care and goodbye.